हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम आस्था शाह एंड आज के इस व्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगी हमारी पागोड़ा की जर्नी। वहां पर हमको कौन कौन से अच्छे बुरे सब प्रकार के एक्सपीरियंस हुए हैं वो सब डिटेल में मैं आपको यहां पर दिखाने वाली हूं। पागोड़ा जाने के लिए सबसे पहले तो हम लोग गोराई बीच पे गए थे। वहाँ से फेरी में बैठने के लिए हम लोग टिकट लेने के लिए लाइन में खड़े रहे। टिकट का प्राइस यहाँ पर पोस्टर में दिख रहा है, जो कि एडल्ट्स के लिए 100 रुपीज़ पर पर्सन था। अगर आप गर्मी में पागोड़ा घूमने जा रहे हो तो आप अपने साथ पानी की बॉटल एंड कुछ नाश्ता रखिएगा, एंड कैप या फिर दुपट्टा गर्मी से प्रोटेक्शन के लिए रखिएगा, क्योंकि बहुत गंदी धूप होती थी वहाँ पर। अगर आप कैप भूल भी गए हो तो वहाँ पर रास्ते में बहुत जगह पर कैप मिल रही थी। टिकट लेके हम लोग फेरी में जाने के लिए आगे बढ़े। जैसे ही हम लोग पानी के नज़दीक जाते गए, वैसे ही बहुत अच्छा ठंडा ठंडा पवन आ रहा था और वहाँ पर दूर से ही पागोड़ा भी दिख रहा था। ये जो यहाँ पर ग्रीन कलर की बड़ी सी बोट दिख रही है, उसके अंदर व्हीकल्स का ट्रांसफ़र हो रहा था। और दूसरी फेरी में हम लोग बैठ गए थे। जब तक पूरी की पूरी फेरी भर नहीं चुकी थी तब तक उसको चालू नहीं किया था। आधे पौने घंटे का वेट करने के बाद जब हमारी फेरी पूरी तरह से भर चुकी थी, तब उन लोगों ने फेरी चालू किया एंड हम पागोड़ा जाने के लिए निकल चुके थे। फेरी से काफ़ी ज़्यादा सुंदर व्यू देखने को मिल रहा था, लेकिन हम लोग दोपहर के टाइम पे गए थे इसलिए धूप बहुत ज़्यादा थी। अर्ली मॉर्निंग या तो फिर शाम के टाइम पे अगर जाते तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहता। आधे पौने घंटे के बाद हम लोग पागोड़ा पहुंच चुके थे। फेरी से उतरने के बाद हम लोग पागोड़ा जाने के लिए चलने लगे। अंदर एंटर होते ही आपको फेरी वाली टिकट दिखानी होती है, जिसके अंदर पागोड़ा की टिकट भी इंक्लूडेड है। एंड अंदर आते ही आपको दो रास्ते दिखेंगे, उसमें से राइट साइड की तरफ वाटर किंगडम है एंड लेफ्ट साइड अगर आप जाओगे तो वहाँ पर पागोड़ा जाने का रास्ता है। गर्मी बहुत ही ज़्यादा थी इसीलिए हम लोग ऐसे दुपट्टे के अंदर कवर होके जा रहे थे। वहाँ से 10 से 15 मिनट इतनी धूप में चलने के बाद फाइनली हम लोग पागोड़ा पहुँच चुके थे। अंदर जाते ही बहुत ज़्यादा खूबसूरत सा व्यू देखने को मिला था हमको। पागोड़ा जाने के लिए एक एंट्री गेट बनाया हुआ है जहाँ पर आपका चेकिंग होता है। वहाँ पर आपका पर्स या तो फिर कुछ भी सामान हो उसको चेक किया जाता है। खाने पीने का सामान ले जाना अलाउ है, बट हमको वहाँ जाने के बाद पता चला कि वहाँ पर शॉर्ट्स या तो फिर स्लीवलेस या तो फिर क्रॉप टॉप्स अलाउ नहीं है। नसीब से हमारे पास दो दुपट्टे थे इसलिए मैंने शॉर्ट्स पहना था एंड मेरी फ्रेंड ने वन पीस पहना था, तो हम लोग ऐसे दुपट्टे लपेट लपेट के वहाँ पर घूम रहे थे। दूसरी एक फ्रेंड ने स्ट्रिप वाला टॉप पहना था तो उसके ऊपर भी उसको जैकेट पहनना पड़ा था। हम लोग वहाँ पर सेंटर ऑफ अट्रैक्शन लग रहे थे। सब लोग घूर घूर के देख रहे थे कि ये लोग क्या पहन के आए हैं, बट इतनी सुंदर जगह पर घूमने के लिए हमको वो पहनना ही पड़ा। जब तक हम वहाँ से बाहर नहीं निकल जाते तब तक हम वो दुपट्टा निकाल भी नहीं सकते थे। यहाँ पर चारों तरफ बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव व्यू देखने को मिल रहा था एंड पूरे के पूरे पागोड़ा में धर्म के बारे में बहुत ही काम वॉइस में एक मंत्र कंटिन्यूसली बोला जा रहा था। ऊपर जाके छाँव में थोड़ी देर बैठने के बाद हम लोग आगे बढ़े। आगे बहुत ज़्यादा बड़ा एक मेडिटेशन सेंटर बनाया गया है। वहाँ पर एंटर होने के लिए हमको बोला था कि अपने अपने फ़ोन्स साइलेंट पे रखना एंड बिल्कुल भी आवाज़ मत करना। डोम शेप का बहुत ही बड़ा एक रूम था वहाँ पर।
वहाँ पर एक विपासना सेंटर था जहाँ पर 10 मिनट तक हम लोगों ने मेडिटेशन किया। फिर वहाँ की कैंटीन का खाना खाने के बाद नीचे उतरते वक्त हम लोगों को ये सुंदर सा घंट दिखा। हम लोग वहाँ पर गए एंड एक एक करके सबने ये घंट बजाया। वहाँ से रिटर्न आते वक्त इवनिंग में भी बहुत ज़्यादा गर्मी थी, लेकिन हम लोगों ने फिर भी बहुत एंजॉय किया क्योंकि ये बहुत पीसफुल जगह थी। फाइनली निकलते वक्त हम लोगों ने दुपट्टा निकाल दिया था। हम लोग वापस से फेरी आने का इंतज़ार कर रहे थे। वहाँ पर मुझे क्यूट सी बिल्ली मेरे बाजू में सोती हुई दिखी। मैंने उसको जगाया लेकिन उसने मुझे भाव भी नहीं दिया और सामने की तरफ दूसरे लोगों के पास चली गई। एंड फाइनली फेरी वहाँ पर आ गई एंड हम लोग गोराई बीच जाने के लिए निकल गए। पागोड़ा का ओवरऑल एक्सपीरियंस अच्छा रहा, लेकिन गलती से भी आप वहाँ पर शॉर्ट कपड़ों में मत चले जाना वरना ऐसे ही घूमना पड़ेगा।